पुलिस आयुक्तालय कमिश्नरेट के सामने एक साथ तीन धरने, कहीं महामारी का संकेत तो नहीं? जयपुर पुलिस आयुक्तालय कमिश्नरेट के सामने स्थित एक साथ तीन अलग अलग धरना प्रदर्शन करते नजर आए। एक ओर राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी संघर्ष समिति धरना दे रही थी, दूसरी ओर विनोद पूनिया मेंबर कांग्रेस कमेटी राजस्थान और अन्य कांग्रेस कर्ता द्वारा गौरव भाटिया जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है उनको हटाने को लेकर रोष जताया, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए। गौरव भाटिया द्वारा आपत्तिजनक बोल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शर्म करो गौरव भाटिया को लेकर काफी रोष प्रदर्शन किया। तीसरी ओर अवैध बजरी खनन पर प्रशासन द्वारा हो रहा अत्याचार को लेकर भी आल राजस्थान बजरी ट्रक वेलफेयर सोसाइटी द्वारा पुलिस प्रशासन को गलत बताते हुए पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारे लगाते नजर आए। हो रहे धरना प्रदर्शन में राज्य सरकार की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती नजर आई, ना सोशल डिस्टेंसिंग दिखी, ना किसी ने मास्क पहनकर, हर तरफ लोग लापरवाही करते नजर आए। अभी कुछ समय ही बीता है, महामारी से कितने लोगों की जान चली गई, मगर कुछ धरना प्रदर्शन करने वाले लोगों पर ना तो प्रशासन कुछ कर पाता है, ना ही पुलिस ऐसी भीड़ में ज्यादातर लोगों को मास्क लगाए हुए देखती है और ना ही उन पर कोई उनका बस चलता है। नवभारत समाचार जयपुर राजस्थान से अशोक शर्मा की रिपोर्ट। हमारे बुजुर्ग की भैया भैया पीछे जाना भैया पड़ेंगे ऐसे आदमी के हमारे लीडर को ऐसे बोलता है। गौरव भाटिया मुर्दाबाद 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 गौरव भाटिया मुर्दाबाद 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 बुजुर्गों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान बुजुर्गों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान तीसरा मोड़ा अमर रहे अमर रहे तीसरा मोड़ा अमर रहे अमर रहे अमर रहे भाजपा मुर्दाबाद 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 नरेंद्र मोदी शर्म करो शर्म करो शर्म करो नरेंद्र मोदी शर्म करो शर्म करो शर्म करो तीसरा मोड़ा अमर रहे अमर रहे अमर रहे गौरव भाटिया को बर्खास्त करो बर्खास्त करो बर्खास्त करो गौरव भाटिया को बर्खास्त करो बर्खास्त करो बर्खास्त करो दो जी तीसरा मोड़ा अमर रहे अमर रहे। आए दिन आप लोग देखते होंगे कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने आज वहाँ थानेदार को पकड़ा, आज वहाँ पुलिस के ड्राइवर को पकड़ा, आज फलाने सिपाही को पकड़ा, आज कांस्टेबल को पकड़ा, खाली एकमात्र ये कार्यक्रम पुलिस के द्वारा जो अवैध माफिया पनपाया गया है उसका श्रेय मैं मानता हूँ पुलिस, क्योंकि पुलिस ने सदैव ही एक नीति रखी है कि 100 गाड़ियां अगर आई है तो उनमें 5 गाड़ियों को बंद करके नाम मात्र की खाना पूर्ति बता देना, उसके अलावा 95 गाड़ियों से पैसा लेना। पुलिस अधिकारी मान लो या पुलिस के जो कुछ स्टाफ, मैं सबके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, फिर मैं कह रहा हूँ पूरा पुलिस विभाग भ्रष्ट नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के कारण आज पूरा पुलिस विभाग के ऊपर काली कूच चुकी है। उन लोगों ने मात्र धंधा बना लिया है, आज पुलिस के सारा रिकॉर्ड है, वीडियोग्राफी है, एक एक थाने की एक एक रात की 7-7, 6-6 लाख रुपए की बंदियां आती है। आज पुलिस ने और किसी क्राइम पे कॉन्सेंट्रेट होना भूल गए, चाहे चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, बलात्कार हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, रात को एक ही कार्यक्रम है, पुलिस की चेतक हो, चाहे मोटरसाइकिल सवार हो, चाहे पुलिस की गश्त की गाड़ी हो, कहीं पुलिस को अगर बजरी नाम की चीज खुशबू आती है इनको, मैं बोलता हूँ इनको खुशबू आने लग गई अब तो बजरी की, ये उस फलानी गली में बजरी खाली हो रही है, पहुंच जाते हैं लेके जवान, ला भैया दे दे, अगला पूछता है क्या, अरे दे दे, अरे तो भैया क्या दे, लीगल बजरी खाली कर रहा हूँ, रवन्ने से बजरी लाया हूँ, पैसे दिए डीजल वाला है, 1 टन मेरी गाड़ी में ओवरलोड बजरी नहीं है,
फिर भी इनकी दादागिरी हम बंद करेंगे थाने चल, सुबह माइनिंग को बुलाएंगे, सुबह वो करेंगे। बेचारा डरता हुआ ट्रक ऑपरेटर लीगल बजरी है तो भी इनको 1,500 रुपए दे के पिंड छुड़ाता है इनसे। आज स्थिति ये हो चुकी है बजरी वालों की कि आज बजरी वाले का कोई सुनने वाला नहीं है। बजरी ऑपरेटर मर रहा है, व्यापारी खत्म हो चुका है और इन पुलिस वालों की ये स्थिति रहती है। मैं पुलिस का टॉपिक ले रहा हूँ खाली, अभी पहले पुलिस पे बोल रहा हूँ फिर और भी बोलूंगा मैं, कि इनका कहना है रात को लीगल बजरी को लेके आ रहा है, उसको अरेस्टमेंट किया जाता है। तो रोहने की बजरी क्यों लेके आया है? तो अगर अपने पुलिस का नाम नहीं लेना, मैं बोल रहा हूँ, तुम बोल रहे हो, आप और बोल। बजरी यूनियन जिंदाबाद, बजरी यूनियन जिंदाबाद, नवीन शर्मा जी जिंदाबाद, नवीन शर्मा जी जिंदाबाद, नवीन शर्मा जी संघर्ष करो, हम हमारे लाल हैं, नवीन शर्मा जी संघर्ष करो, हम हमारे लाल हैं, नवीन शर्मा जी संघर्ष करो, हम हमारे लाल हैं, नवीन शर्मा जी संघर्ष करो, हम हमारे लाल हैं, नवीन शर्मा जी संघर्ष करो, हम हमारे लाल हैं, नवीन शर्मा जी संघर्ष करो, हम हमारे लाल हैं, नवीन शर्मा जी संघर्ष करो, हम हमारे लाल हैं, बजरी यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मेरा कहने का मतलब एक है, मैं पूरे विभाग पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ पुलिस बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ अधिकारी कुछ कर्मचारियों के कारण आज पूरा पुलिस महकमा संदेह के घेरे में। तो हम राज्य सरकार से मुख्यमंत्री जी से मांग कर रहे हैं कि पुलिस का डायरेक्ट दखल बंद हो, पुलिस डायरेक्ट बजरी की गाड़ियों को नहीं रोके। आपको रोकना है पुलिस के साथ में माइनिंग परिवहन विभाग को डेपुट किया जाए, उनके साथ में अभियान चलाए, तीन विभाग एक साथ रहेंगे तो कोई करप्शन नहीं होगा, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होगा। और हम तो कह रहे हैं हमारे यूनियन के एक एक मेंबर भी उनके साथ दिए जाए। गौरव भाटिया जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है उनको पद से बर्खास्त किया जाए। उन्होंने बुजुर्ग आदमी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे, राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, जो 8 बार MLA और 5 बार MP रहे, ऐसी विभूति जिनको पद्मश्री का सम्मान मिला हुआ है राष्ट्रपति के द्वारा उनके बारे में, एवं जो सैनिक रहे हैं जिन्होंने देश की सेवा भी की है समाज की सेवा भी की है, ऐसे व्यक्ति के बारे में जो अशोभनीय टिप्पणी गौरव भाटिया ने की है हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं और हम मांग करते हैं कि बीजेपी उसको तुरंत पद से हटाए, वरना ये विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा जब तक उसको हटाया नहीं जाएगा। ऐसी बीजेपी जो कहती थी हमारी चाल चलन सभ्यता और संस्कृति की बात करती थी, उस पार्टी का चेहरा उजागर हो गया है। प्रवक्ता का कहने का मतलब होता है कि वो पूरी बीजेपी की आवाज़ है, वो किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, वो प्रवक्ता की हैसियत से टीवी पे इंटरव्यू दे रहे थे, डिबेट में बोल रहे थे। इसलिए हमारी सब लोगों में भारी आक्रोश है, पूरे राजस्थान की जनता में आक्रोश है, पूरे भारत में आम आदमी किसान आदमी सब में आक्रोश है कि वो व्यक्ति किसान केसरी के साथ साथ बहुत बड़े राजनेता थे जिन्होंने जीवन भर उनके खिलाफ एक शब्द भी किसी ने बोला नहीं, उनके खिलाफ कभी कोई मामला नहीं रहा। ऐसी महान विभूति के खिलाफ हम ये अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसके खिलाफ पूरी जंग लड़ी जाएगी। जब तक बीजेपी नहीं हटाएगी तो हम बीजेपी का ही तख्ता पलट कर देंगे। अब नाम विनोद पूनिया, मेंबर प्रदेश कांग्रेस कमेटी राजस्थान, ठीक है, ये अमर सिंह गोदारा, मैं अमर सिंह गोदारा सर्वधर्म जाट मासों का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं जाट समाज में इस चीज़ का भारी विरोध है, भारी रोष है कि हमारे किसान नेता, जाट नेता, हर वर्ग के नेता थे, किसान केसरी थे, इनके खिलाफ इस तरीके के अपशब्द बीजेपी ने जो कहे हैं।